हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल और थंबनेल देख के तो समझ ही गए हो कि मैं आज जा कहाँ रहा हूँ। काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, मैं फिलहाल वाराणसी में हूँ। सुबह के अभी 10:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक सूरज नहीं निकला है। तो आज चलते हैं, फाइनली दर्शन करते हैं भगवान जी के। काशी विश्वनाथ टेम्पल बहुत ही बड़ा है, बनारस का सबसे बड़ा मंदिर वही है। जिस जगह पर मैं हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर काशी विश्वनाथ का टेम्पल है। मैं सोच रहा हूँ ऑटो लेने का, लेकिन ऑटो का जंक्शन दिख रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पैदल ही वॉक कर लेता हूँ, मॉर्निंग वॉक हो जाएगी मेरी। और ये देखिए काम चल रहा है यहाँ पर। मैं तो गूगल मैप भी चेक कर चुका हूँ, उसी डायरेक्शन से मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली ये बहुत हेल्पफुल है हमारे जैसे जनरेशन के लिए। ओहो, बहुत ही रेयर मोमेंट ऑफ माय लाइफ। यहाँ पर बहुत सारे अंकल लोग मुझे देख भी रहे हैं कि क्या कर रहा है। तो रहने दो फिर। मैं सोच रहा था कि टाइम मिलेगा तो दर्शन भी कर लेंगे, बट मुझे लगता है कि वहाँ सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा ही क्राउड रहती है। अभी जाएंगे तो पता चल ही जाएगा कितना वहाँ पर क्राउड है या नहीं है। नहीं रहेगा तो दर्शन कर लेंगे, फिर वापस आएंगे अपने जहाँ पर आए थे काम से। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए बाबा काशी विश्वनाथ जी की मंदिर। देखते हैं, अभी मैं पहुँचने ही वाला हूँ, बस 500 मीटर की दूरी पर हूँ। उमाए वा मू शिंदे इरु नानी। मैं अभी गोदरिया वाले रूम में हूँ। यहाँ पर आपको हर चीज़ जो भी सामान चाहिएगा चीप रेट में मिल जाएंगे, ओवीडी माल, बट कोई नहीं। इसी रोड से आप होकर जाओगे काशी विश्वनाथ टेम्पल, जो कि जहाँ मैं जा रहा हूँ बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ। 100 मीटर की दूरी है कुछ। यहाँ पर हर चीज़ के शॉप, सन ग्लासेस, कपड़े, चप्पल आपको लोकल ही मिलेंगे, बट लेकिन सस्ते मिलेंगे। टेम्पल है ही नहीं मेरे फोन का, बहुत खोजा लेकिन मिल ही नहीं रहा है, तो मैं लेट कर दिया। अभी चल रहे हैं, पहुँच ही गए हैं कुछ देर में। ये देखिए सजा हुआ है, मोदी जी जब आए थे तब का है। यहाँ पर जगह जगह पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। ये वाली रास्ता जाती है काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास, तो यहाँ से बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस अंकल लोग भी खड़े हैं ताकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। मैं पहुँच ही गया हूँ अभी टेम्पल के पास। यहाँ पर बैरिकेड्स जो लगे हुए हैं मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर रोक दिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक ना हो। यहाँ पर सिर्फ 2 व्हीलर्स अलाउड हैं, 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। इसके बाद आपको पैदल ही जाना पड़ेगा या फिर साइकिल, नहीं तो बाइक से जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं भाई। ये देखिए यहाँ से ही मोदी जी का काफिला गुजरा था एक बार, और यहाँ देखिए लोग पूजा करके आ रहे हैं मंदिर से। ये चीज़ तो मेरे को बेस्ट लगी, यहाँ पर 4 व्हीलर्स अलाउड नहीं किए, इसकी वजह से ट्रैफिक कम है। यहाँ पर लोग आराम से अपने से जा रहे हैं, और वहाँ से आपको जहाँ से आप मैं दिखाया आपको वहाँ से आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ पर लोग देख सकते हो मेरे पीछे भी पैदल ही जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं। यहाँ की रोड भी काफ़ी अच्छी है वैसे, करें ऑल रोड से। तो यहाँ पर शॉप्स भी हैं, जलांस यहाँ पर खुले हुए हैं इस रास्ते में। अगर किसी को अपना कुछ भी सामान लेकर यहाँ पर रखना है तो यहाँ लॉकर पर रख सकते हैं, अंकल लोग रखते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको चोरी होने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको लॉकर दिखाया हूँ, लॉकर में आप अपना सामान रख सकते हो ताकि यहाँ पर चोरी होने का डर नहीं रहेगा।
यही सब अंकल फैसिलिटी दी हैं, तो उसको उठाओ आप लोग। ब्लॉग्स अगर आपको पता चल रहा होगा तो कम से कम कमेंट करके बताना। नहीं मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स दे रहा हूँ कि नहीं। रास्ते में आपको छोटे छोटे जो टेंपल बने हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी भी है, देख सकते हैं। अभी तो मैं चल ही रहा हूँ फिलहाल में, यहाँ पर देख सकते हैं कि टीका लगा लगा कर भैया लोग घूम रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, मेरे को तो इसी से पता चल रहा है कि यहाँ पर कितने सारे लोग होंगे लाइन में, मेरे को तो वही डर लग रहा है। यहाँ से एग्जिट एंट्री है, यहाँ से जा नहीं सकते हो आप, वापस रिटर्निंग में इधर से आओगे। यहाँ देखिए भीड़ है यहाँ पर भी, और सिक्योरिटी तैनात है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ करें ना, देख सकते हैं। यहाँ बगल बगल में फूल्स के शॉप्स भी हैं, और ये लॉकर तो मैं बता ही दिया कि यहाँ लॉकर में अपना सामान रख सकते हो सेफली, अंकल लोग के हाथ में रहेगा, कुछ चार्जेस कटेंगे। फिलहाल में यहाँ पर दो गेट ओपन है जहाँ से एंट्री है, और आपको फ़ोन अलाउ नहीं किया जाएगा अंदर जाने के लिए। मैं अंकल लोग से पूछा, पुलिस अंकल लोग से, लेकिन वो बताए कि फ़ोन अलाउ नहीं है अंदर, मैं नहीं जाने वाला हूँ अंदर। अंदर बहुत ही ज़्यादा क्राउड है अभी, जब मैं कभी फैमिली के साथ जाऊँगा तब जाऊँगा। मैं सोचा था कि जाऊँगा अंदर तो आपको बताऊँगा कि अंदर क्या है, बट नहीं, यहाँ पर अंदर अलाउ नहीं है फ़ोन, इसलिए फ़ोन जाने के लिए आपको पास बनवाना पड़ेगा। मेरे पास तो कोई पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। मैं वापस जा रहा हूँ बाहर से ही दर्शन करके यहाँ पर। मेरे को जाते हुए रास्ते में सॉक्स की शॉप दिखी छोटी सी, मैं सोच रहा हूँ एक सॉक्स ले ही लेता हूँ। नाइक, एडिडास, यहाँ रिबॉक सारी कंपनी के मिल जाएंगे सॉक्स। तो मैं दो पेयर्स के ले लिया हूँ सॉक्स यहाँ पर, जो कि भाई ने दिए मुझे 100 रुपये में। आप लोग भी ले लेना आकर यहाँ से, जो कि आपको रास्ते में पड़ेंगे जब आप एंट्री करोगे यहाँ से। छोटे छोटे सॉक्स के यहाँ से भी सामान ले लिया करो, अच्छा लगेगा उन लोगों को। ज़रूरी नहीं कि हर टाइम मॉल में शॉपिंग करो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लेटा ना।